एनसीपी नेता जितेंद्र राठ को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हर हर महादेव फिल्म को लेकर ये सारा विवाद था। जितेंद्र राठ अपने समर्थकों के साथ विवियाना मॉल में हर हर महादेव फिल्म जो है ये रुकवा दी थी और वहीं पर एक फिल्म देखने आए शख्स के साथ मारपीट भी हुई थी। अब उसी मामले को लेकर एनसीपी नेता की गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में मराठी फिल्म हर हर महादेव को लेकर जमकर बवाल काटा जा रहा है और आज गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच गए और यहां पर जितेंद्र अवहाट के समर्थक में नारे लगाने लगे हैं। हालांकि पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से एनसीपी के तमाम महिला और पुरुष कार्यकर्ता जो है वो जितेंद्र अवहाट के समर्थक में यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। जितेंद्र अवहाट को आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास वर्तक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद खुद जितेंद्र अवहाट ने कार्रवाई को लेकर एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया में और बताया है कि उन्हें पुलिस का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लिखते हुए उन्होंने कहा है कि आज दोपहर 1 बजे उन्हें वर्तक नगर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्हें सीनियर PI ने फ़ोन करके बुलाया था और उन्होंने खुद कहा कि मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ क्योंकि मुझे मुंबई भी जाना है और जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तब मुझे बातों में फंसा कर रखा गया। इसके बाद DCP राठौर पुलिस स्टेशन आते हैं और उनके चेहरे और आँखों में एक बेचैनी थी लेकिन परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कहा बड़े सम्मान के साथ कि ऊपर से आदेश है और आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। दोपहर 1 बजे के आसपास जितेंद्र अवहाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद एनसीपी के भारी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और वहां वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी जमकर हो रही है। दडपशाही आहे। तुम्ही चौकशीला बोलवता, तुम्ही सुरुवातीला त्याची माहिती की तुम्ही चौकशीला या म्हणून तुम्हाला बोलवलं, इथे येऊन तुम्ही अटक करता, या दडपशाहीचा विरोध आहे। उलट ज्यांनी महाराजांचा इतिहास चुकीचा दाखवलाय, ज्यांना महाराजांच्या वारसांनी सुद्धा विरोध केलाय, त्यांना अटक करायची सोडून संविधानाच्या मार्गाने महाराजांचा इतिहास खऱ्या अर्थाने काय आहे सांगणाऱ्यांना तुम्ही अटक करता, याचा मी जाहीर निषेध करतोय। आव्हाड साहेब हे संविधानाच्या मार्गाने चालणारे नेते आहेत, पुरोगामी महाराष्ट्राची विचारधारा मांडणारे नेते आहेत आणि ह्याच विचारांना कुठेतरी दाबण्यासाठी ही कारस्थानं केली जात आहेत, ह्याचा आम्ही पूर्णपणे निषेध करतोय। जोपर्यंत साहेब बाहेर येत नाही तोपर्यंत आम्ही इकडनं हलणार नाही। बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास या महाराष्ट्र मातीमध्ये चुकीचं दाखवत असेल तर प्रत्येक महाराष्ट्राच्या माणसाचं रक्त खवळून उठलं पाहिजे आणि त्यांनी रस्त्यावरती उतरलं पाहिजे। ह्याचीच एक प्रतिक्रिया म्हणून हर हर महादेव पिक्चरचा जो शो आहे तो विवियानामध्ये आम्ही बंद केला। त्या अनुषंगाने डॉक्टर जितेंद्र अवहाड साहेबांना आणि आमच्या इतर कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। मात्र ज्या ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचं कोण छेडछाड करेल त्याचा प्रतिकार होईल। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते त्याचा प्रतिकार करत राहतील, असंख्य कार्यकर्ते रस्त्यावरती उतरतील आणि ते रस्त्यावरती उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत। अवहाड साहेबांना तुम्ही जितेंद्र अवहाड साहेब हे एकटे नाही आहेत, जितेंद्र अवहाड साहेब म्हणजे लाखो कार्यकर्ते आहेत, ते तुम्हाला कळेल। तुम्ही डॉक्टर साहेबांना अटक केलेली आहे, पुढची प्रतिक्रिया आम्ही दाखवू तुम्हाला।